साहिबी कमाल सरवंश दानी दसम पातशाह साहिब गुरु गोविंद सिंह के 351वें प्रकाश पर्व सोलन के धर्मपुर गुरुद्वारा साहिब में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए तथा अलौकिक कथा एवं कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जत्थों सहित विशेष रूप से हजूरी रागी दुख निवारण साहिब से भाई गुरपाल सिंह ने सवद कीर्तन गायन कर सिख इतिहास गुरु गोविंद सिंह साहिब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मंत्री डॉ. राजदीप सैजल को सरोपा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कीर्तन दरबार में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया। इससे पूर्व धर्मपुर पहुंचने पर मंत्री डॉ. राजीव सैजल का स्थानीय लोगों व गुरुद्वारा साहिब के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने गुरु गोविंद सिंह के 351वें प्रकाश पर्व की सभी को बधाई देते हुए गुरु साहिब ने देश व धर्म के लिए अपनी व अपने परिवार की कुर्बानी दी थी। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि हमें गुरु साहिब के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पर्व सिर्फ सिखों का पर्व नहीं है, सभी धर्मों को इसको मिलजुल कर मनाना चाहिए। इस मौके पर मंत्री डॉ. राजीव सैजल सहित जिला भर के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद व लंगर भी ग्रहण किया। आज पूरे देश के अंदर, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जयंती उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। ऐसे महापुरुष का अवतरण पूरे विश्व में कहीं और हुआ हो ऐसा मुझे नहीं लगता। जो संत शक्ति इस देश को पतन होने से जिसने रोका है, देश की परंपराओं को खंडित होने से रोका है, पूरे समाज को आंदोलित जिन्होंने किया है, वर्ग भेद को समाप्त करने का प्रयास जिन्होंने किया है, तो ऐसी संत शक्ति जो है वो सर्वोच्च है। वो किसी भी शासक से ऊपर है, किसी भी राजा से ऊपर है। और ऐसी इस संत शक्ति को जो है हमें ना सिर्फ आज जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती है, सिख समाज तो इसको मनाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि समूचे देश को इसको मनाना चाहिए, हर वर्ग को इसको मनाना चाहिए, पूरे हिंदू समाज को इसको मनाना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को इसको मनाना चाहिए।